हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि पटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम बात करेंगे ये वीडियो के अंदर कि JPY INR जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है और कहाँ पर उसके टारगेट बन सकते हैं उसके रिगार्डिंग। तो हम बात करते हैं पहले सपोर्ट से। तो जहाँ पे अभी हमने जो क्लोजिंग किया है दोस्तों, वहाँ से पहला जो सपोर्ट है इसके लिए वो है 0.6930 का लेवल। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्पॉट प्राइस के बारे में, ये फ्यूचर की प्राइस नहीं है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो आप जो है वो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो ये हमने बात कर रहे हैं स्पॉट प्राइस में। तो नंबर वन जो सपोर्ट है वो है 0.6930 के आसपास। अगर ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे अगर ये सस्टेन कर लेता है, तो हम जो है वो 0.6880 का जो लेवल है वो देख सकते हैं ये वीक के अंदर। और दोस्तों, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि हम जो है वो एक बार ये जो हमारा लेवल है 0.6880, वहाँ पर हम जा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि वहाँ जाने के बाद हम वो सपोर्ट से बाउंस करते हैं, या तो फिर वो सपोर्ट को, फाइनल जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके उसके नीचे जाते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। अगर हम उसके नीचे जाते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो करेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। आप उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक चीज़ जो थी वो थोड़ा सा मीडियम टू शॉर्ट टर्म के बारे में मैंने बताया। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमें नेक्स्ट वीक के अंदर लगभग हम इसके अंदर 0.6860 का जो लेवल है वो देख सकते हैं, और उसके भी नीचे अगर ये जाने की कोशिश करता है तो 0.6810 के लेवल के आसपास जो है वो हम JPY INR को जाता हुआ देख सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस वीक के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बात की थी कि 0.7030 का जो लेवल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था दोस्तों, और हमने ये बात की थी कि अगर ये इसके ऊपर रहता है, इसके ऊपर अगर टिकता है, तो हम जो है वो बहुत ही बढ़िया रैली देखेंगे, ऊपर की रैली देखेंगे 0.73 तक की। लेकिन मैंने दूसरी कंडीशन बताई थी कि अगर ये ब्रेक हो गया तो हम जो है वो 0.6900 के आसपास जो है वो जा सकते हैं। और दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली वो जो लेवल था 0.7030, वो ब्रेक हो गया और हम उसके नीचे आ गए हैं, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसके अंदर, अगर आप काम करते हो तो। और दोस्तों, खास बात बता देता हूँ, अगर आप इसके अंदर काम करते हो और आपको अगर इंट्राडे के लिए जो व्यू चाहिए JPY INR और बाकी की अदर करेंसी के अंदर, जैसे कि USD हो गया हमारा और GBP INR हो गया, यूरो INR हो गया, उसके अंदर अगर आप काम करते हो और आपको इंट्राडे का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो डाला है। वो वीडियो आप ओपन करोगे तो आपको सारी जो डिटेल है वो पता चल जाएगी। हमारी एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर हम जो है वो इंट्राडे के अंदर कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, सारी डिटेल में बात करते हैं। और उसके लिए एक नॉमिनल चार्ज है हमारा 999 रुपीज़ पर मंथ, जिसके अंदर आपको चार अलग अलग करेंसी के बारे में डेली इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहती है, ठीक है। और साथ में आपको लाइव मार्केट के अंदर सजेशन भी मैं जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। तो ये हमने सपोर्ट की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं कि उसके टारगेट जो है वो क्या हो सकते हैं उसके बारे में। तो नंबर वन जो टारगेट है दोस्तों नेक्स्ट वीक के अंदर JPY INR के लिए वो है 0.6990 का लेवल। ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टारगेट रहेगा JPY INR के लिए। अगर JPY INR जो है वो ये टारगेट को सस्टेन कर लेता है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर लेता है, तो हम जो है वो एक बार 0.7020 का जो लेवल है वहाँ पर जा सकते हैं। ये जो है वो दोस्तों हमारी स्पॉट प्राइस है, ध्यान रखना, ये जो है वो फ्यूचर प्राइस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रुक जाते हैं, टिक जाते हैं, सस्टेन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया वैसे 0.6880 का जो लेवल है वहाँ पर हम जो जा सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। वहाँ से अगर हम बाउंस करते हैं तो फिर हम धीरे धीरे करके फाइनल टारगेट के ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर वो जो सपोर्ट है 0.880 वो अगर ब्रेक हो गया, तो करेक्शन जो है उसकी साइज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये बात जो है वो ध्यान रखना। अगर हमारा जो फाइनल टारगेट है वो सस्टेन कर लेता है, तो हम जो है वो इसके अंदर 0.6880
7040 का जो लेवल है वो देख सकते हैं, और इसके ऊपर अगर ये रुकता है तो 0.7065 का जो लेवल है वहाँ पर हम इसके अंदर जा सकते हैं। तो ये जो है वो सपोर्ट और टारगेट जो मैंने बात की, वैसे आपको थोड़ा ध्यान रखना है नेक्स्ट वीक के अंदर। और जो मैंने बताया वैसे इंट्राडे का इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों आपको, तो जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है वो आप ओपन करोगे तो आपको सारी जो डिटेल है वो पता चल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर नए वीडियो के साथ, और कुछ चेंज होगा तो उसके अंदर हम बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।